हेलो हेलो चेक हेलो हेलो इंजीनियर्स, दिस इज सती। तो आज आपके लिए लाए हैं ऑडियो मशीन जो है उसको हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो एनालॉग का रिकॉर्डिंग हमने बनाया है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एनालॉग से हम लोग इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, ये कोई डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं है। तो पुराना जो हम लोगों का कैसेट रहता था, ऑडियो कैसेट, वही रिबन से हमने इसको बनाया है। लेकिन इसका रिकॉर्डिंग थोड़ा कम है क्योंकि जो रिबन है वो छोटा हमने ले लिया है। तो सिर्फ इसको मैंने बनाया है आपको एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अभी चलिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गर्बर फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो पहले ज़माने का जो ऑडियो सिस्टम था वो हम लोग जानते हैं, जब भी इस पे कोई ऑडियो कैसेट डालेंगे और इसको प्ले करेंगे, ऑडियो कैसेट का ए साइड बजने लगता था। और जब भी कैसेट को खोल के ऑपोजिट साइड लगाते थे तो ऑपोजिट साइड से अलग से और एक गन बजने लगता था। लेकिन ऑडियो कैसेट के एक ही रील पर दो अलग अलग गन दो साइड पे किस प्रकार से बजता था, इसके लिए हम लोगों को जानना होगा कैसेट के रिबन के बारे में। तो रिबन देखिए, जब भी इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो ये जिस तरफ मूविंग करेगा ये भी मूविंग कर रहा है, मतलब इसके अंदर मैग्नेट रहता है। तो उस मैग्नेट को कैप्चर करते हैं हेड। ऑडियो के हेड जो होते हैं वो ज़्यादातर दो कनेक्शन होते हैं, एक तो होते राइट और एक तो होते लेफ्ट, और बॉडी जो होते हैं वो ग्राउंड होते हैं। और हेड के नीचे की तरफ दो साइड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ए साइड और बी साइड, मतलब बी साइड पे कोई कनेक्शन नहीं होता, ए साइड पे होते मेन कनेक्शन। हेड के अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता, दो टर्मिनल पे दो कॉयल रहते हैं और इस कॉयल के माध्यम से जो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कैच करता है ये। और ये हेड के दो कनेक्शन को हम लोग एम्पलीफायर पे यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करेंगे हम लोग LM356। तो ये एक एम्पलीफायर आईसी है, तो इसको हम लोग एम्पलीफायर के माध्यम से यूज़ करेंगे। इस पर हमने कैपेसिटर लगाया है कुछ और रेजिस्टेंस लगाया है, लगा के इसका इनपुट आउटपुट करेंगे। तो इसके बारे में अगर जानना है, मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने बनाया है किस प्रकार से ये एम्पलीफायर बनाया है हमने, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। तो चलिए अभी बाकी सब देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन सिर्फ इस पर जो रिबन है, जो मैग्नेटिक रिबन होते हैं, उसको हम लोग सिर्फ फिट करेंगे। तो इसको एक ही राउंड हम लोग घुमाएंगे ताकि छोटा करके रिकॉर्डिंग हो सके। अगर आप ज्यादा बड़ा करके रिबन को घुमाएंगे तो ज्यादा बड़ा रिकॉर्डिंग होगा, मतलब टाइम लेके, बहुत टाइम लेके रिकॉर्डिंग हो सकते हैं। और यहाँ पे हमने स्पीकर लगा दिया आउटपुट के लिए, और इस पर आप देख सकते हैं हेड, जो इस पर इनपुट होगा और आउटपुट होगा, ठीक है। और इस पर दो स्विच हमने लगा दिया है, जो कि एक स्विच दबाने से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, रिकॉर्डिंग होगा, और दूसरा दबाने पर जो कि साउंड को सुनाई देगा। और पीछे की तरफ हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक मोटर लगा दिया जिसको घुमाएगा। और यहाँ पे बैटरी हमने लगा दिया है 3.7 वोल्ट का। और इस पर आप देख सकते हैं एम्पलीफायर, जो कि एम्पलीफायर हमने बनाया है। इसको कैसे बनाया है आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका सर्किट डायग्राम। तो अभी चलिए इसका रिबन जो है, उस रिबन का हम लोग फिट करके इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिबन को हमने लगा दिया है, जो कि मैग्नेटिक रिबन है, उसको हमने इस पर फिट कर दिया है। तो अभी इस पर बटन दबाने पर ये रिकॉर्डिंग होगा, और इसको दबाने पर वही सुनाई देगा। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो हेड मैंने लगाया है, इस पर जो कि मैग्नेटिक रिबन के माध्यम से इस पर रिकॉर्डिंग होगा, तो वही रिकॉर्डिंग हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन इसका जो मोटर है, इसका स्पीड बढ़ता है और घटता है, इसलिए जो रिकॉर्डिंग स्पीड है वो भी कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस बटन को दबा के हम लोग जो कि रिकॉर्डिंग करेंगे, और इसको दबाने पर प्ले होगा, तो रिकॉर्डिंग का वॉयस इस पर जो ये जो माइक है इसमें से रिकॉर्ड होगा, और आउटपुट पे ये स्पीकर से आउटपुट होगा। तो अभी आप लोग टेस्ट करके देखते हैं। हेलो 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 हेलो। तो अभी देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक ऑडियो रिकॉर्डर मशीन हम लोग घर पे बना सकते हैं, वो भी पुराना जो ऑडियो कैसेट है उसके मदद से। तो इस वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।